दिन था, एक व्यक्ति स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे गया और समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया। अब वो स्नान नहीं कर रहा, समुद्र की लहरें आ रही है बड़ी तेज, और एक इंसान वहां पर आता है और उसको बोलता है कि अरे तुम किनारे बैठे हो, स्नान क्यों नहीं कर रहे। वो बोलता है कि मैं इन लहरों का जो फ्रीक्वेंसी है जब कम हो जाएगा, ये लहरें जो ऊंची ऊंची आ रही है उनके कम हो जाएगा, उसके बाद में मैं नहाऊंगा। तो वो इंसान बोलता है अरे भले आदमी, लहरें तो समुद्र में आनी है, कभी कम कभी जाना ज्यादा, आपको तो स्नान करके निकल जाना चाहिए। तो बस इतना बोलता है और वो इंसान स्नान करता है और निकल जाता है, और वो इंसान ऐसे ही बैठा रहता है। दोस्तों ये जो कहानी है ये छोटी सी है, इस कहानी का जो समझ है वो इस तरह से लेना है कि जीवन में बदलाव हमेशा आता रहता है, समय चलता रहता है, समय के साथ भी चलना चाहिए। वो हम बहुत सारे कार्य करते हैं और हम सत्कर्म जो होते हैं, हमारे जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो सिर्फ समय के ऊपर छोड़ते हैं, जब समय उपयुक्त होगा तब करना है, तो ये कभी कभी हमारे लिए उपयुक्त नहीं होता। तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक विघ्न जो प्रॉब्लम्स आने के से डर कर वो आगे कार्य करता ही नहीं है, उसे निचले स्तर का व्यक्ति कहा जाता है। दूसरा जो कोई भी कार्य शुरू कर देता है और जैसे ही प्रॉब्लम आता है वहां से भाग खड़ा होता है, छोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति होता है मध्यम स्तर का। और तीसरा जो कठिनाइयों को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए कार्य में आगे बढ़ता है, कठिनाइयां आती है उनका सामना करता है, हर समय को वो उपयुक्त मानकर हर समय अपने लिए है, ये समय मेरा है और ये समय के लिए मेरा कार्य महत्वपूर्ण है, ये सोच के वो आगे बढ़ता रहता है, वो एक उत्तम व्यक्तिमत्व होता है, वो महान व्यक्तिमत्व होता है। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि समय हमारे लिए सबके लिए सेम है, बस उसका उपयोग सही होना चाहिए और उपयोग करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।